के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खराब मौसम के बावजूद भारतीय वायुसेना लोगों को निकालने में जी जान से जुटी है। केदार घाटी में अब तक 9,099 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी करीब 1,000 यात्री यहां पर फंसे हुए हैं। केदारनाथ में आपदा के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि खराब मौसम हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू में बाधा बन रहा है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लोगों को सुरक्षित निकालने में लगातार जुटी है। यहां से निकल चुके हैं और यहां से निकलने के बाद अभी हम सेठसी हेलीपैड से यहां से निकलने के बाद हम पहुंचेंगे चीरबासा। चीरबासा ये वही हेलीपैड है जो आज ही तैयार किया गया है। हेलीपैड भले ही ये पुराना था, लेकिन उसमें कई प्रकार की दिक्कतें, वहां पे पत्थर वगैरह काफी थे, जिसके कारण वहां पे रेस्क्यू का काम नहीं हो पा रहा था। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि न्यूज 18 पर किस तरीके से अभी हम भी उस जगह पे जा रहे हैं कि क्या कुछ रेस्क्यू होता है, तरीके से रेस्क्यू हो रहा है। हम वो एक एक वो बिंदु एक एक वो चीजें वो दिखाएंगे कि क्या कुछ इस टाइम प्रशासन ने और वहाँ पे व्यवस्था की गई है, कर रही है, और साथ ही किस तरीके की आपदा है। आप देख सकते हैं कि अभी हम ठीक मंदाकिनी नदी के ठीक ऊपर है। मंदाकिनी नदी आप देख सकते हैं हमारे ठीक नीचे, सोनप्रयाग से नीचे आप देख सकते कि किस तरीके से यहाँ पे आपदा दिख रही है। ये आपदा आप सोनप्रयाग से ऊपर देख सकते हैं कि कई जगह यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुआ है, आप देख सकते हैं कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। यानी कि जो बुधवार को यहाँ पे जो बारिश आई थी, वो बुधवार के दिन जो बारिश आई वो उसको काफी आपदा लेके आई। अभी तक पैदल करीब 300 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जबकि हेलीकॉप्टर के जरिए 30 यात्रियों को निकाला गया। अभी भी 2,000 से ज्यादा लोगों को निकाला जाना बाकी है। करीब 7,000 से ज्यादा लोगों को अब तक निकाला जा चुका है जो केदारनाथ और उसके आगे के पड़ाव में फंसे हुए थे। रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कठिन दिक्कतें कर रही है वो कर रहा है मौसम यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कतें बना रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। हेलीकॉप्टर के जो आगे का जो एरिया है, आगे का जो शीशा है, उसमें आप देख सकते हैं कि बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मौसम सबसे बड़ा रेस्क्यू यहाँ पे रेस्क्यू में सबसे बड़ा अड़ंगा डाल रहा है। आप देखते हैं कि यहाँ पे लोग अलग अलग जगहों पे दिख रहे हैं, अलग अलग पैच में दिख रहे हैं। भले ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे उन लोगों को निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। आप देखते हैं अभी भी यहाँ पे हर एरिया में जो लोग फंसे दिख रहे हैं, देखे जा सकते हैं। और ये वही चीरबासा का ये हेलीपैड है जो ठीक 1 किलोमीटर ऊपर है गौरीकुंड से, और 1 किलोमीटर की चढ़ाई फिर अब उन यात्रियों को यहाँ पे आके देखनी पड़ेगी। अब उसके बाद यहीं से इनका यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। आप देख सकते तमाम लोग वहाँ पे खड़े हैं जिनका रेस्क्यू होगा, और अब हम भी यहाँ पे चीरबासा पहुँच चुके हैं। त्रिजुगी नारायण में कुछ लोगों के फंसे होने की खबर है। 8 से 10 यात्री यहाँ फंसे हुए हैं। त्रिजुगी नारायण से 3-4 किलोमीटर ऊपर ये लोग फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम अब यहाँ पर ऑपरेशन में जुट गई है। आप देख सकते हैं हम इसी हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँचे थे। अब ये हेलीकॉप्टर यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके लेके जा रहा है। यानी कि जो लोग यहाँ फंसे हैं, जो गौरीकुंड में लोग फंसे हैं, गौरीकुंड से उन लोगों को यहाँ पे पहुँचाया जाएगा। करीब 1 से 1.25 किलोमीटर की ये दूरी है गौरीकुंड से यहाँ तक की, और यहाँ पे जब ये लोग पहुँचेंगे तो यहाँ से उनका रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें भेजा जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन नए रास्ते से हो रहा है और लोगों को सुरक्षित एसडीआरएफ की टीम सोनप्रयाग पहुंचा रही है। इसके साथ ही केदारनाथ धाम में फंसे लोगों को भी एनडीआरएफ के जवान जाल चौमासी से होते हुए काली मठ की तरफ निकाल रहे हैं। मंजर किस तरीके से होगा वो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। अभी आप मैं चीरबासा में हूँ। चीरबासा के ठीक सामने एक नदी आ रही है, एक ऊपर से एक नदी के का पूरा एक रोखड़ आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि अलग अलग पैचेस में अलग अलग जगह, यानी कि यहाँ पे बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो कई जगह हुई है। भले ही ऊपर हम देख सकते हैं, ऊपर जो लगातार बताया जा रहा था कि भीमबली से और पूरे रास्ते में वो है, अभी आप देख सकते हैं कि मैं चीरबासा में, और चीरबासा में देखिए ये पत्थर आ रखे हैं, क्योंकि ये का जो हेलीपैड है ये आज ही एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंची थी, और उन्होंने ये चीरबासा का जो ये
हेलीपैड तैयार किया गया है, वो इसलिए भी किया गया है क्योंकि कई लोग अभी भी पीछे फंसे हैं, उन लोगों को निकालने के लिए पूरी ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पे प्रशासन मुस्तैद है, आप देख सकते हैं पुलिस के यहाँ पे जवान यहाँ पे तैनात हैं कि किसी भी प्रकार की कोई घटना होती तो वो तुरंत आगे सूचना देंगे। यहाँ पे पुलिस SDRF NDRF की यहाँ पे NDRF की टीम कुछ ऊपर लगी है क्योंकि लगातार यहाँ पे जो यात्री हैं उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये देखिए अभी भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, शायद ये मजदूर वो हैं जो यहाँ पे काम करते थे, अब ये अपना सामान लेके यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि आपदा जो आई है, जो कई जगह रास्ते टूटे हैं तो उसको देखते हुए लगता है कि काफी जगह रास्तों में जो अलग अलग पैचेज में दिक्कतें आई हैं वो दिक्कतें जल्दी जल्द से जल्द नहीं निपटेंगी। केदारनाथ पैदल मार्ग अब भीमवली, लिंचोली, जहाँ जहाँ बादल फटा वहाँ अब सर्च अभियान शुरू हो गया है। जिला प्रशासन और DDRF टीम सर्च अभियान में लगी हुई है। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं। लिंचोली में ADA और आपदा प्रबंधन अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क की हो रही है और सैटेलाइट फोन भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ये वही चीरवा शाखा सबसे ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे अक्सर पत्थर गिरने की संभावना बनी रहती है। आप देख सकते हैं एक बोर्ड है, यहाँ पे जंगल चट्टी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। जंगल चट्टी से पहले एक बड़ा पैच टूट रखा है जिस कारण इस भीमबली और जंगल चट्टी के बीच भी एक पैच टूट रखा है। और भीमबली से नीचे नहीं जो यात्री आ पा रहे हैं उसका बड़ा कारण यही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीते कुछ दिन पहले भी एक बड़ी घटना हुई थी, ऊपर से लगातार पत्थर आए थे और कुछ लोगों उस पत्थरों में यहाँ पे उन पत्थर से उन पे चोट लगी थी जिसका मौत का कारण भी वो पत्थर बने थे। लेकिन आप देख सकते हैं अभी हम उसी चीरवासा से ठीक ऊपर जंगल चट्टी की तरफ ये रास्ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये खतरा भी यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है क्योंकि पत्थर आप देख सकते हैं लगातार अभी भी बड़े बड़े बोल्डर बड़े यहाँ रास्तों में दिख रहे हैं। CM धामी ने केदारनाथ रूट पर चल रहे राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की, वर्चुअली रुद्रप्रयाग के DM और SSP से बात की, दोनों अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।